हाय फ्रेंड्स, हम टारगेट फॉर ऑल एग्जाम चैनल की ओर से आपके लिए पोएटिक टर्म्स से रिलेट कुछ क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले ये TGT के एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसने पिछली बार के एग्ज़ाम्स में भी पूछा है और आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में भी पूछेगा, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये हम आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताएंगे सिंपल वे में, ताकि आप क्वेश्चंस को देखते ही आंसर दे सको। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पे चलते हैं। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस तो आपको इसमें ऑप्शंस भी मिलेंगे, तो आप ऑप्शन देखिएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पोएटिक लाइसेंस क्या होता है। पहले हम जान लेते हैं पोएटिक लाइसेंस क्या होता है। तो लाइसेंस का मतलब ही होता है किसी कार्य को करने के लिए आपके पास परमिट होना चाहिए, यानी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इसमें दिया है एक ऑप्शन सी, लिबर्टीज विद द लैंग्वेज एंड फैक्टर इन पोएट्री। तो पोएटिक लाइसेंस मतलब पोएट्री में पोएम, किसी पोएम को लिखने के लिए आपकी जो स्वतंत्रता वो लैंग्वेज की होनी चाहिए, जो आप जिस पे लिखना चाहो, जो थीम लिखना चाहो, जिस थीम पे आप लिखना चाहो, फैक्ट यूज़ करना चाहो, स्टेंज ऑफ फॉर्म, उस चीज़ों की आज़ादी, उसका परमिट होना चाहिए। यही हुआ पोएटिक लैंग्वेज, पोएटिक लाइसेंस। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर इज। तो सटायर का मतलब सब जानते हैं कि कटाक्ष करना या उपहास करना। तो इसका जो आंसर है वो डी नंबर आंसर सही है, टू रेडिकुलस, यानी सटायर उपहास करना। जैसे कि ड्राइडन, पोपो आप जानते ही है, बहुत बड़े सटायरिस्ट हैं। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं उनका, ड्राइडन का मैकफ्लैकनो, उन्होंने सैडवेल पे कटाक्ष किया, उनकी हंसी उड़ाई है। तो सटायर का जो मोटो होता है वो उपहास करने का होता है, और सटायर हमेशा रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल सटायर्स होते हैं जो एक एलेग्री के थ्रू लिखे जाते हैं। तो सटायर का मोटो होता है रिडिकुलस। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एन एम्बस कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो जो एम्बस होता है इसका ए नंबर सही होगा ऑप्शन वन, ऑन एक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाई एन एक्सेंटेड वन। तो जैसे कि हिंदी में होता है लघु और गुरु मात्रा है, उसी तरीके से ये ऑन एक्सेंटेड और एक्सेंटेड होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में हम आपको बता, एक एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं जिसे कि आप एम्बस समझ सकें। जैसे ए ड्रेस, एक कपड़ा, और एक हुआ एड्रेस, पता। अगर हमें एक कपड़ा मांगना होगा किसी से, तो हम इस पे लघु का इस्तेमाल किया करेंगे, यानी कि ऑन एक्सेंटेड सिलेबल का इस्तेमाल करेंगे, और डी पे जोर देंगे, एक्सेंटेड गुरु का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, ये लाइन ऐसे होती है, तो ए ड्रेस, ड्रेस पे जोर देंगे, और एड्रेस लिखने के लिए हम इस पे गुरु का इस्तेमाल करेंगे, और डी पे लघु का, एड्रेस। अगर आप किसी अंग्रेज से कोई कपड़ा मांगेंगे तो आप ए पे जोर दीजिएगा, नहीं ए पे जोर ना देके ड्रेस पे, तभी वो आपको ड्रेस देगा। अगर आपने ए पे जोड़ दिया तो वो आपको एड्रेस बताएगा। तो हो सकता है समझ में आ गया होगा आपको, जैसे कि एक लघु के बाद एक गुरु का आना होता है एक्शन एम्बस। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग फ्रेज बेस्ट क्रिटिसाइज द लेट 19th सेंचुरी एस्थेटिक मूवमेंट। इसमें ऑप्शंस हैं, आर्ट फॉर इंटेलेक्ट सेक, आर्ट फॉर गॉड सेक, आर्ट फॉर मासेस एंड आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो जैसे कि जानते हैं 19th सेंचुरी में एस्थेटिक मूवमेंट था, जिसके फॉलोअर्स थे वाल्टर पेटर, ऑस्कर वाइल्ड। तो इन्होंने एक फ्रेंच स्लोगन का इस्तेमाल किया था, आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी कि साहित्य को साहित्य के लिए लिखना। इसको जिसको प्री रेफराइट पोएट्स ने का अपने पोएट्री में भी काफ़ी प्रयोग किया है। जैसे कि देख लीजिएगा,
ब्लेस डैमेजल है रॉसेटी की, उसमें एक पेंटिंग को पोयम पोएट्री में मर्ज की गई है। आर्ट फॉर आर्ट से लिखने का मतलब यही है कि जब इंसान कोई किसी साहित्य को या कोई किसी पोएम्स को पढ़ता है तो अपने सारी सामाजिक चीज़ों को भूल के एक अलग सी दुनिया में, कल्पना की दुनिया में चला जाए। तो यही उसका मोटो था, आर्ट फॉर आर्ट से। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द सेवन लाइन स्टेंजा यूज्ड बाय मेडिवल पोएट इज नोन एज। तो जो सेवन लाइन की स्टेंजा फॉर्म्स है उसे राइम रॉयल कहते हैं, जिसे चौशर ने अपने कैंटरबरी टेस्ट में यूज़ किया था, शेक्सपियर ने रेप ऑफ द ल्यूक्रीज में यूज़ किया है, तो राइम रॉयल है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल शेक्सपियरियन सोनेट इज। तो शेक्सपियरियन सोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, थ्री क्वाड्रेंट्स एंड ए कॉपुलेट। तो एक कॉपुलेट जो होता है, एक एक क्वाड्रेंट जो होता है फोर लाइन का होता है, तो फोर लाइन का और थ्री क्वाड्रेंट यानी 12, 14 लाइन की होती है, तो 12 ये हो गए, और एक कॉपुलेट होता है दो लाइन की, जिसमें तो यही होता है शेक्सपियरियन स्टेंजा, शेक्सपियरियन स्ट्रक्चर सोनेट। सेवन क्वेश्चन है, यूजिंग सॉफ्ट साउंडिंग वर्ड टू अवॉइड द ब्लंटनेस एंड वल्गैरिटी। तो ब्लंटनेस एंड वल्गैरिटी के लिए बचने के लिए किसी बुरे चीज के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना, इसे कहते हैं एफिज्म। इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है, एफिज्म कहते हैं। जैसे किसी के दादाजी गुजर गए, मर गए, तो उन्हें कह हम ये नहीं कहेंगे क्या आपके दादाजी मर गए, ये कहेंगे क्या आपके दादाजी गुजर गए, तो उसे अच्छा लगेगा। अगर मरना शब्द अचानक से कह दें तो उसे बुरा लग सकता है, इसे को इफिज्म कहते हैं, यानी कि बुरे चीज़ों के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना। एट नंबर क्वेश्चन, द टर्म डिस्टोपियन इम्प्लाइज। तो डिस्टोपिया जो वर्ड्स है वो अटोपिया का एंटोनीम है। अटोपियन जो होता है वो प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, और डिस्टोपिया जो होता है ऑन प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड में मिजरी, ह्यूमंस मिजरी, डिसीज, ओवर क्राउडिंग वगैरह के बारे में राइटर्स जो होते हैं वो लिखते हैं, इसे कहते हैं वो काल्पनिक दुनिया होती है। एक काल्पनिक दुनिया जिसमें वुमेन्स मिजरी, डिसीज, ओवर क्राउडिंग होता है, उसे डिस्टोपिया कहते हैं। जैसे हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड या ऑरवेल का 1984 जो हुआ, ये सब डिस्टोपियन नॉवेल के एग्जाम्पल्स हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नॉवेल। तो प्रोलेटेरियन का मतलब होता है श्रमिक, श्रमजीवी। ये जो नॉवेल्स होते हैं वर्कर्स के द्वारा वर्कर्स पे लिखे के लिए लिखे जाते हैं। इस नॉवेल्स में सिर्फ वर्कर्स रिलेटेड या पॉलिटिकल जो इश्यूज हुआ या वर्कर्स के राइट्स के बारे में इस नॉवेल्स में लिखा जाता है, जो वो एक वर्कर्स लिखता है और उसे एक वर्कर्स पढ़ता भी है। इसे थीम जो होता है वर्किंग क्लास होता है। 10 नंबर क्वेश्चन, ऑन ब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स एंड अवेयरनेस इन वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। एक विचारों का प्रवाह, बिना रुके विचारों का प्रवाह दिमाग में जब चलता रहे तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस कहते हैं। हेनरी जेम्स ने इसका यूज किया था, जैसे वर्जीनिया, लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डेलवे है, सबने पढ़ी होगी मिसेस डेलवे को। तो मिसेस डेलवे जब अपनी वो मिसेस डेलवेज की जो कहानी है वो एक सोच पे डिपेंड करती है, वो एक अपनी पुरानी घटनाओं को, पुरानी पिछली बातों को याद करती है, वही ये कहानी वर्जीनिया उल्फ लिखती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, बिना रुके विचारों का प्रवाह। 11 नंबर क्वेश्चन है, द स्पेंसरियन स्टेंजा हैज, स्पेंसरियन स्टेंजा हैज
तो स्पेंसरियन स्टेंजा में 9 लाइन होता है, 8 लाइन अलग से, और जो 9th जो लास्ट लाइन होती है उसे एलेक्जेंड्रियन लाइन कहते हैं। और इसकी जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी ए बी, बी सी सी, 9 लाइन के जो लास्ट लाइन होती है वो एलेक्जेंड्रियन लाइन भी कहते हैं। इन्होंने अपनी एक्सपेंसरियन स्टेंजा का इस्तेमाल इन्होंने फेरी क्वीन में किया था, जैसे सेली नेडोनिस में किया था, और टेनिशन ने अपने लोटस ईटर में किया था, बायरन ने होलार्ड पिंटर में, चाइल्ड होराल्ड में किया था स्पेंसरियन स्टेंजा का इस्तेमाल, जिसे स्पेंसर ने ही इन्वेंट आविष्कार किया था। टू इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज द फ्रेज पोर्टिक जस्टिस। तो पोर्टिक जस्टिस को किसने इन्वेंटेड किया था इस फ्रेज को, तो वो है राइमर। तो पोर्टिक जस्टिस का मतलब होता है बुराई पे अच्छाई का जीत। जैसे कि ट्रेजडी में होता है कि कौन बुरा था, कितने बुरे काम किए, और उससे जैसे वर्चुज रिवार्डेड होता है और जो वाइस होता है वो पनिश्ड किया जाता है, इसे ही कहते हैं पोएटिक जस्टिस। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द बराक बैरोक। बैरोक क्या है? बैरोक एक स्टाइल है जो कि 17वीं सेंचुरी में इटली में आया था। 14 नंबर क्वेश्चन है दीर्घ मिस। दीर्घ का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, एक शोक गीत होता है दीर्घ का मतलब। 15 नंबर क्वेश्चन है कंसीट एंड वीट आर द फीचर्स ऑफ विक्टोरियन पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री, सेंटिमेंटल पोएट्री या रोमांटिक पोएट्री। तो कंसीट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो एग्जिस्ट ना करती हो या रेयरली एग्जिस्ट करती हो, का एक कल्पना हो। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल विद कंसीट एंड विट का इस्तेमाल मेटाफिजिकल पोएट्री में किया गया था, डॉन के द्वारा, मॉर्वेल के द्वारा। तो आप डॉन की पोएट्री पढ़िए, तो उन्होंने अपने प्यार को स्पिरिचुअल लव का दर्जा दिया है, तो उसमें काफी उन्होंने कल्पनाएं की हैं, जैसे कंपासू का और वो कीट पतंगों का, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, उन्होंने कल्पना की है। तो यही है वीट एंड कंसिस्ट जो कि मेटाफिजिकल पोएट्री में यूज किया गया है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।